हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस क्लास में अपन शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण, ठीक है। हिंदी ग्रामर का सबसे पहला टॉपिक वर्ण विचार, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। वर्ण विचार को हल्के में नहीं लेना है, पहले आपको वर्ण विचार क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं, वर्ण विचार क्लियर होंगे तब आप धीरे धीरे हिंदी के टॉपिक में आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो चैप्टर है एकदम बेसिक सा है वर्ण विचार, जिसमें अपन परिभाषा के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके परिचय, उसके जो वर्ण विचार के प्रकार है इसके बारे में एक एक करके मैंने पूरा यहाँ पर नोट्स बना दिया है। ये नोट्स के पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये पीडीएफ अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। बस आपको चीजों को सुनना है, ध्यान से सुनिएगा, और कहीं अपने नोट्स बनाकर चलते हैं तो बहुत बेस्ट ये होने वाला है, ठीक है मेरे दोस्त। तो आइए स्टार्ट करते हैं जो हिंदी व्याकरण का वर्ण विचार, ठीक है। सबसे पहला अपन बात करते हैं वर्ण विचार का, जो क्या क्या चीज इसमें पढ़ना है अपने को, यहाँ पर ध्यान देते हुए चलिएगा। वर्ण विचार की जो अपन वहां पर परिभाषा परिचय प्रकार के बारे में बात करें, तो सबसे पहला वर्ण विचार का जो परिभाषा है, क्या इसकी परिभाषा होगी, ठीक है। वर्ण विचार के भेद देखेंगे और कई बहुत सारे उदाहरण जो हर तरीके के कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये था आपका बेसिक से जो चीज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वर्ण विचार की परिभाषा पढ़ेंगे, वर्ण विचार के भेद, कितने भेद होते हैं, और बहुत सारे जो उदाहरण है, हमेशा देखिएगा उदाहरण से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उसके उदाहरणों के बारे में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए तो फिर नेक्स्ट मैं स्लाइड यहाँ पर ले लेता हूँ। देखिये परिभाषा, तो वर्ण विचार का परिभाषा क्या हो सकता है ना, एकदम सिंपल सा। वर्ण विचार का जो परिभाषा, कोई ऐसा वर्ण है जिसको टुकड़ों में, अब देखिए कोई वर्ण मैं जैसे लिखा हूं है ना, राम, ठीक है। राम अगर मैं लिखा हूं तो रा फिर आ फिर म फिर अ, मतलब कि ये राम भी लिखे आप दो वर्ड बोल रहे हैं, लेकिन उसके पीछे चार जो वर्ण है छुपे हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा मैं क्या जो परिभाषा लिख के रखा हूं, बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, कोई चीजें आप बोल रहे हो तो उन ध्वनियों का जो उच्चारण किए, ध्वनियों वर्ण या अक्षर कहलाती है, वो क्या कहलाती है, वही जो होती है ध्वनिया वर्ण या अक्षर कहलाती है। अब वर्ण जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वर्ण जो होती है, जैसे मैंने बोला राम, तो रा फिर आ फिर मा फिर आ, तो इस तरीके का वो चार उसमें वर्ण शामिल हो रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण मतलब कि राम है एक शब्द है, उसका मैंने क्या बोला, वो चार वर्ड, यहाँ पर अभी उदाहरण देखेंगे, रा फिर आ फिर मा फिर आ, मतलब चार वर्ड से अब उसके आप टुकड़े कर सकते हैं क्या, नहीं। तो वही क्या कहला रहे हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते है ना, वही क्या कहला रहा है आपका वर्ण। अब ध्यान दीजिएगा उदाहरण में किस तरीके का समझाऊंगा, एक बार चीजों को फिर से डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो चीज दिया हुआ है उसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्या बोला गया है, बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वही ध्वनिया वर्ण या अक्षर कहलाती, वर्ण या अक्षर या शब्द भी बोल सकते हैं, वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, जैसे कि राम में मैंने आ बोला, रा आ म आ, फिर है ना, तो सबसे छोटी इकाई होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब देखिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको, इसका एक उदाहरण देखते हैं है ना, क्या बोला मैंने, राम पत्र लिखता है, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि राम पत्र लिखता है, यहाँ पर ये बड़े वर्ड है, राम भी एक बड़ा वर्ड, पत्र लिखता। अब देखिए है, आपको समझ में आ रहा होगा है ना, एक यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा है, लेकिन है के अंतर में है ए बोलते हैं, ए भी मतलब ए भी जुड़ा है ना। तो अभी उसको देखेंगे किस तरीके का इस वाक्य को खंड खंड करके तोड़ा जा सकता है, क्या बोला गया है, इस वाक्य के खंड किए जा सकते हैं, हाँ किए जा सकते हैं बिल्कुल। इसमें चार शब्द प्रयुक्त है, देखिए इसको शब्द बोलते हैं, राम पत्र लिखता है भी एक शब्द है, यहां पर ध्यान दीजिएगा है में ए भी जुड़ा हुआ है ना, तो राम पत्र लिखता है, यहाँ पर कितने शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं मेरे दोस्त मेरा भाई, चार शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं। अब यहाँ पर से आपको समझ में आएगा नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए इन ध्वनियों को और अलग अलग करके देखिए, जैसे कि मैं सबसे पहला मैंने बताया राम है ना, आपने अभी तक इसको राम ये तो दो शब्द बस दिख रहे हैं राम, लेकिन इसके पीछे जब आप ध्वनि जो रहती है
उसके मैंने बोला कि वर्ण या ध्वनिया है ना, तो जब राम बोलते हैं तो यहाँ पर रा आ म और अ, मतलब देखिए यहाँ पर चार वर्ण है। अब इसके आप टुकड़े नहीं कर सकते, इसके और टुकड़े आप नहीं कर सकते है ना, राम जो है तो इसके आपने राम के टुकड़े कर दिया, मतलब कि जो ये शब्द लिखा हुआ है उसके आपने टुकड़े किया है ना, तो रा आ म अ, मतलब कि यहाँ पर चार वर्ण आपको दिखे। उसी प्रकार से पत्र देखिए, प फिर अ फिर त र अ, मतलब कि यहाँ पर देखिए कितने, एक दो तीन चार पांच है ना, पांच भागों में तोड़ा। लिखता देखिए ल ई ख अ त फिर अ, तो लिखता इसको भी आपने कितने भागों में तोड़ दिया, वैसी है तो ह प्लस ए, मतलब कि क्या बोला जा रहा है, प्रत्येक शब्द के ध्वनि के अनुसार टुकड़े किए गए हैं। देखिए ध्वनि जो निकलता है उसके अनुसार आप टुकड़े कर सकते हैं, बात समझ में आ रही होगी यहां तक का। तो यहाँ पर ये टुकड़े जो करते हैं, इस प्रकार से राम लिखा है तो उसके चार टुकड़े किया, पत्र लिखा है उसके पांच टुकड़े किए, तो कोई भी जो ध्वनियां निकल रही उसके आप टुकड़े करते हैं। तो फिर से अपन यहाँ पर आते हैं परिभाषा, आप बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वही ध्वनियां वर्ण या अक्षर कहलाती है। अभी जो ध्वनि निकल रही थी रा अ है ना, अ ध्वनि निकल रही थी, तो वही ध्वनियां वर्ण या अक्षर कहलाती है। और वर्ण जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वर्ण जो अभी देखा जो एक एक वर्ण जो लिखे थे वो सबसे छोटी इकाई होती है। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यहां तक का पूरा क्लियर होगा मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है, किसी भी प्रकार से कोई डाउट नहीं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, जो अब यहां तक का पूरा क्लियर था, मैंने यहां तक का बताया प्रत्येक शब्द के ध्वनि के अनुसार टुकड़े किए गए हैं, तो यहां पर ध्वनि के अनुसार आपने विस्तृत उदाहरण देख चुके हैं, यहां तक का किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन ध्वनियों तथा वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। देखिए जो वर्ण और ध्वनि, अब राम है शब्द था उसके आपने चार टुकड़े किया, अब वो जो टुकड़े हुए उसके और टुकड़े आप नहीं कर सकते, बात समझ में आ रही है आपको। तो यहां पर अपन देखेंगे इन ध्वनियों तथा वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, अतः भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, यहां पर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, याद रखिएगा है ना, यहां पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ठीक है ध्वनि होती है, ध्वनि तथा इसके जो लिखित रूप है, लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, याद रखिएगा, यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, ध्वनि, और इसके लिखित जो रूप होते हैं, लिखित रूप को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। यहां पर कैसे क्वेश्चन आ जाएगा, भाषा की सबसे जो छोटी मौखिक इकाई तो ध्वनि है, और भाषा की सबसे छोटी और इसके जो लिखित रूप है उसको क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, वर्ण कहा जाता है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट अपन जैसे आपने क न ज ल स ये जो है आदि है ना, दूसरे शब्दों में मौखिक ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्ह है ना, मौखिक ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं मेरे दोस्त, वर्ण कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं मेरे दोस्त, वर्ण कहलाते हैं। यहां तक का आपको चीजें को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वर्ण, लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले वर्ण प्रत्येक भाषा में अलग अलग होते हैं है ना, लिखित भाषा में ठीक है, जो लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले वर्ण क्या होंगे, प्रत्येक भाषा में अलग अलग हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा में इन वर्णों की कुल संख्या 44 है, अब यहाँ पर याद रखिएगा कुल संख्या कितनी है 44, कहीं कहीं वर्णों की संख्या जो है 48 तक भी बताई गई, इसको याद रखना है ना, मेन 44 आपको याद रखना है और कहीं कहीं इन वर्णों की संख्या 48 बताई गई है। वर्णमाला पे अपन बात करते हैं, तो वर्णों की माला यानी वर्णमाला, वर्णों की जो माला है ना, देखिए एक मोती है तो उसको मोती बोलते हैं, अब उसको गुद दिया जाए तो माला बन जाता है ना, तो उसी प्रकार से वर्णमाला में वर्णों की माला यानी वर्णमाला, वर्णों की व्यवस्थित रूप को ही क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है, वर्णों की जो व्यवस्थित रूप है वही क्या कहलाता है दोस्त, वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, याद रखिएगा हिंदी वर्णमाला जो है उसमें 11 स्वर होते हैं और व्यंजनों की संख्या होती है मेरे दोस्त 33 होती है, ये चीजों को आपको याद रखने हैं, क्लियर है। क्या बोला मैंने फिर से ध्यान दीजिएगा, वर्णमाला में कितने स्वर, 11 स्वर होते हैं, कितने स्वर होते हैं 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं, हिंदी वर्णमाला है उसमें 11 स्वर
और 33 व्यंजन आपको याद रखने, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। यहाँ पर थ्योरी मैंने इसलिए लिख रखा है ताकि आपको चीजों को देखे रहे थ्योरी, तो आपको पूरे पॉइंट याद रहे, ठीक है मेरे दोस्त। यहां तक का किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे, इसमें अब नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास वर्ण के भेद। तो वर्ण के जो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, पहला आप पढ़ेंगे स्वर और दूसरा है व्यंजन। चलिए तो स्वर और व्यंजन में हम बात करते हैं, क्या होते हैं स्वर और क्या होते हैं व्यंजन। अभी तक का आपने देखा, ठीक है, 11 स्वर 33 व्यंजन है ना। अब अपन बात करेंगे वर्ण के भेद में। तो वर्ण के दो भेद आपने देखा, पहला है आपके पास स्वर और दूसरा है आपके पास व्यंजन। यहां तक का किसी भी प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा मेरे दोस्त आप लोगों को। तो अपन नेक्स्ट जो स्वर और व्यंजन है उसके किस प्रकार से आपको डिवाइड किया गया है, उसको एक एक करके मैं उदाहरण से ही चीजों को एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो आपके पास पहला है स्वर वर्ण। कितना बोला गया, स्वर जो होते हैं 11 होते हैं और व्यंजन जो होते हैं 33 होते हैं, ये आपको याद रखना है। स्वर वर्ण में आते हैं जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े। स्वर वर्ण में याद रखिएगा, स्वर अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। ये स्वतंत्र ध्वनियां भी होते हैं, याद रखिएगा ये स्वतंत्र होते हैं, इसके लिए किसी और को ऐड करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 11 है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर देखिए, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा सातवा आठवा नौवा दसवा ग्यारहवा। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। और ये स्वतंत्र ध्वनियां हैं, जैसे अ है, फिर आ है ना, ई फिर ई, उ उ, ऋषिगरा है ना, ए फिर ओ और अ। तो इसको क्या बोला गया है, स्वर वर्ण है ना, ये क्या है, स्वर वर्ण। और कितने होते हैं, ये टोटल 11 होते हैं। कुल कितने हो रहे मेरे दोस्त, स्वर वर्ण 11 होते हैं और ये स्वतंत्र होते हैं। स्वर मतलब याद रखिएगा स्वतंत्र वर्ण, इसके लिए किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती। ये आप जैसे ये वर्ड बोल रहे तो अन्य ध्वनि की जरूरत इसमें नहीं पड़ती, ये आपको याद रखने हैं मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्वर वर्ण के बाद हम बात करते हैं उच्चारण की दृष्टि से स्वर वर्ण के जो होते हैं, स्वर वर्ण के तीन भेद होते हैं। तो स्वर वर्ण के तीन भेद भी याद रखिएगा है ना, उच्चारण की दृष्टि से ये भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाया जा सकता है। स्वर के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। तो हस्त स्वर है, दीर्घ स्वर है, प्लुत स्वर है, है ना। तो स्वर के तीन भेद होते हैं याद रखिएगा। हस्त स्वर बोला मैंने सबसे पहला, हस्त स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। हस्त स्वर बोला मैंने, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, कितने होते हैं स्वर के भेद, ठीक है। स्वर के जो भेद होते हैं कितने हैं, तीन होते हैं, याद रखिएगा तीन भेद होते हैं। क्लियर हो गया यहां तक का, किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं मेरे दोस्त। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहां पर नेक्स्ट आपके हस्त स्वर के बारे में। तो हस्त स्वर जो होता है, ठीक है, किस प्रकार से आपको यहां पर एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, हस्त स्वर में जो एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो हस्त स्वर इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। हस्त स्वर का याद रखिएगा, इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। हस्त स्वर एकदम माइंड में बैठा लो मेरे दोस्त, ऐसे जो क्वेश्चन है ना आपको आईक्यू लेवल पूछता है, याद रहना चाहिए, याद रहना चाहिए है ना, याद रहना चाहिए। क्या बोला मैंने, याद रहना चाहिए। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। और ये कितने होते हैं मेरे दोस्त, चार होते हैं, एकदम सिंपल सा। तो आ है, ई है, उ और री, ठीक है। तो ये हस्त स्वर होते हैं। अब अपन बात करते हैं, हस्त स्वर पहला था ये, पहला, दूसरा है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में देखिए, इनके उच्चारणों में हस्त स्वरों के, इनके जो उच्चारण है उसमें हस्त स्वरों के उच्चारण से दुगुना समय लगता है। जैसे कि अ है ना, यहाँ पर आ है ना, एक अ बोला एकदम सिंपल सा अ, फिर उसके बाद आम का आ, ऐसा है ना, मतलब कि दुगुना समय अ है फिर आ, तो मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, दुगुना समय लगा। वैसे ई है ना, एकदम सिंपल सा ई, लेकिन यहाँ पर ई है ना, तो दुगुना समय लगा कि नहीं मेरे दोस्त। वैसी उ है ना, यहाँ पर सिंपल सा उलिख है ना, ये उनका उलिख है। तो यहाँ पर देखिए सब में दुगुना समय लगेगा, ए है फिर ए फिर ओ फिर ओ, तो यहाँ पर क्या लग रहे हैं, हस्त स्वर से क्या होते हैं, दुगुना समय इनके उच्चारण में क्या होता है, दुगुना समय लगते हैं हस्त स्वर में, याद रखिएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, एकदम सिंपल सा अ ई उ ऋ सिक्रेट है ना,
लेकिन यहाँ पर दीर्घ स्वर में डबल हो जाता है, दीर्घ में याद रखेगा ह्रस्व स्वर से क्या हो जाता है, दुगुना समय लगता है इनके उच्चारण, क्या लग जाता है मेरे दोस्त, दुगुना समय लगता है। इतनी बातें याद रखेंगे कि नहीं, बोलिए, एकदम किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं है, क्लियर होगा। अगर किसी प्रकार से कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं मेरे दोस्त, है ना। ये पूरी जो पॉइंट है हर कंपटीशन एग्जाम के लिए, अभी छत्तीसगढ़ में टेट का एग्जाम होने वाला है टीईटी, जिसमें वर्ग एक और सॉरी एक तो टीईटी नहीं दिलाएंगे, है ना, उनके लिए जरूरत नहीं होती, लेकिन दो और तीन सहायक शिक्षक और शिक्षक है तो उनके लिए दो और तीन में टीईटी की आवश्यकता पड़ती है। तो टीईटी का फर्स्ट जो सिलेबस, हिंदी का सिलेबस का फर्स्ट जो पार्ट है यही है वर्ण विचार। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और चीजों को किस तरीके का सॉल्व करना है मैं एक एक चीज यहाँ पर बताते जा रहा हूँ। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कंटिन्यू क्लासेस यहाँ अवेलेबल होती रहेगी, ठीक है। तो हस्व स्वर कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में दुगुना समय लगता है, किससे, हस्व से। चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर में आपको सबसे पहला मैंने एग्जाम्पल बताया, इसे और अधिक समय लगेगा। देखिए हस्व स्वर में कम समय लगता है, दीर्घ में दुगुना समय लगता है, लेकिन प्लुत स्वर में ध्यान दीजिएगा, इनके उच्चारण में हस्व और दीर्घ स्वरों के उच्चारण से तिगुना समय लगता है। जैसे कि राम, ठीक है, राम में मैंने बोला कि राम जो है एक शब्द है, उसको वर्णों में विभाजित किया तो चार वर्ण मिले, रा आ म फिर अ। तो यहाँ पर देखिए कोई वर्ड यूज करें, सुनो, देखिए सु फिर अ फिर नो फिर ओ, सुनो ऐसा बोलना चाहते हैं, फिर ओम, है ना, इसमें बहुत तिगुना समय लग रहा है। आपको क्लियर होगा हस्व स्वर में कम समय, दीर्घ में दुगुना, लेकिन प्लुत स्वर में हस्व और दीर्घ से तिगुना समय लग जाता है। तो यहाँ पर वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा, सुनो ऐसा बोला जाता है, या ओम, ओम के पीछे भी कई वर्ण छुपे, ओम ऐसा बोला जाता है ना। उसी प्रकार से राम, तो राम में भी रा आ म आ, तो राम इत्यादि, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, प्लुत स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला, हस्व और दीर्घ स्वरों के उच्चारण से तिगुना समय लगता है मेरे दोस्त, तिगुना समय। अब तिगुना समय यानी तीन मात्राओं का वक्त लगता है, ठीक है, तीनों मात्राओं का वक्त लगता हो उनको क्या कहा जाता है, प्लुत स्वर। ये अक्सर दूर से किसी को बुलाने अथवा पुकारने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसके चिन्ह है ना, इसके चिन्ह जो होते हैं एस राम ऐसा, इस तरीके से यहाँ पर देखिए वर्ड के बीच सुनो ऐसा बोलते हैं, ओम, ठीक है, या राम या इत्यादि, है ना। तो इसे जो होता है त्रिमासिक, त्रिमासिक स्वर भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जा सकता है, इनमें से कौन से त्रिमासिक स्वर है, त्रिमासिक स्वर के अंतर्गत ये प्लुत स्वर को भी जो है उसके अंतर्गत इसका त्रिमासिक स्वर भी बोला जाता है, ये याद रखिएगा। प्लुत स्वर को पहला हस्व स्वर बोला, कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में दुगुना समय लगता है, और प्लुत स्वर में हस्व और दीर्घ का तिगुना समय लगता है, इस कारण से इसे त्रिमासिक स्वर भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है दोस्त। बोलिए यहां तक कोई डाउट नहीं, किसी भी प्रकार से कोई डाउट नहीं, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे मेरे दोस्त। यहां तक का अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हस्व और दीर्घ स्वरों के मिश्रित उच्चारण को प्लुत माना जाता है, हस्व और दीर्घ स्वर के जो मिश्रित उच्चारण को उसको क्या बोल दिया जाएगा, प्लुत स्वर माना जाएगा। हस्व में कम समय लगता है, दीर्घ में दुगुना समय लगता है, और प्लुत में हस्व और दीर्घ से तिगुना समय लगता है, इस कारण से त्रिमासिक स्वर भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है भाई, है ना। बोलिए यहां तक किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं, एकदम क्लियर होगा मक्खन की तरह, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं मेरे दोस्त, इसके उदाहरण देखिए, मुर्गे की जो बोलने की आवाज है कुकड़ू को, जो कुकड़ू को ऐसा बोलते हैं ना, तो इसके पीछे यहाँ पर तीन वर्ड है ना। अब देखिए क डबल एस में लिया गया, इस बांग में तीनों स्वर है, हस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है, तीन वर्ड। तो प्लुत से आशय ऐसा स्वर जिनमें तीन मात्रा का समय लगता हो, है ना। तीनों मात्रा क्या होते हैं, तीनों मात्रा इसमें लगते हो, मतलब कि हस्व का, दीर्घ का और प्लुत का, इस कारण से इसे क्या बोला गया है दोस्त, त्रिमासिक स्वर बोला गया। बोले यहां तक का कोई डाउट नहीं, एक बार फिर से मैं चीजों को रिवाइज कर देता हूं, ठीक है, एकदम आसान सा है, ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से स्वर के तीन भेद, हस्व स्वर में कम समय लगता है ये याद रखेगा, दीर्घ स्वर में दुगुना, और प्लुत स्वर में हस्व और दीर्घ से तिगुना समय लगता है, इस कारण से इसे त्रिमासिक स्वर भी कहा जाता है। चलिए यहां तक का नेक्स्ट अब बात करते हैं, यहां तक क्लियर था, नेक्स्ट अब
बात करते हैं फिर से। ह्रस्व स्वर हो चुका, लुप्त स्वर भी हो चुका, ठीक है। अब स्वरों की मात्राएं, स्वरों की जो मात्रा है, ठीक है, स्वर और व्यंजन बार बार पढ़ रहे हैं, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अपन बात करेंगे स्वरों की मात्राओं के बारे में, ठीक है। स्वरों की जो मात्राएं होती है, किस प्रकार से आपको मात्राओं पे फोकस करने हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्त। चलिए, तो स्वरों की मात्राएं के बारे में बात करते हैं। एकदम आसान सा चीज है, ये भी आसान सा टॉपिक है, किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा। तो प्रत्येक स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती है। जो स्वर होते हैं, देखिए इसको आ है फिर ई, तो उसके लिए निर्धारित चिन्ह है ना मेरे दोस्त। आपने कोई वर्ड पढ़ा जैसे अ है, स्वर के लिए अतिरिक्त सभी प्रकार के स्वरों की मात्राएं चिन्ह होते हैं। स्वरों के चिन्ह मात्रा के जो रूप में व्यंजन वर्ण जुड़ते हैं, जैसे कि अ है ना, अ यहाँ पर लिखा, तो उसके लिए आप जब बनता है तो मात्राएं लगती है। फिर ई है ना, ई बो, ई तो बोल रहे हैं लेकिन मात्रा भी तो लग रहा है। फिर ई ऐसा है ना, बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, ये आपने सब बचपन में पढ़ा है, बस उसको रिवाइज कर रहे हैं मेरे दोस्त, है ना, एक प्रकार से सब चीज आपने पढ़ा है। यहाँ पर री है ना, तो ये देखिए मात्रा लगा, ए है ना, बोल रहे ए रहे लेकिन निकल रहे, ध्वनि तो निकलेगा ना भाई। फिर ए, ए ऐसा बोल रहे हैं लेकिन ए डबल ए की मात्रा निकल जाता है। ओ बोल रहे हैं तो ओ है ना, तो इस तरीके का, ये ओ बोल रहे हैं तो ये वाला डबल मात्रा निकल जा रहा है। तो यही सब ये क्या कहलाती है, स्वरों की जो मात्रा है। तो इसमें क्या बोला गया है, प्रत्येक स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती है। चिन्ह जो होती है वो क्या कहलाती है, मात्राएं। आ स्वर के लिए अतिरिक्त सभी स्वरों के मात्रा चिन्ह होते हैं। स्वरों के जो चिन्ह मात्रा के रूप में व्यंजन वर्ण से जुड़ते हैं। क्लियर है यहां तक का, नेक्स्ट मैं बात करूंगा। नेक्स्ट आते हैं व्यंजन। अब व्यंजन वर्णों की संख्या आपने पहले ही पढ़ रखा है, स्वर 11 और व्यंजन 33, ठीक है, याद रखकर क्लियर होगा। जिन वर्णों के उच्चारण स्वरों की सहायता से होते हैं, कोई ऐसा वर्ण है जिसका जो उच्चारण है, मैंने क्या बोला अभी इसके पहले देखा, तो स्वर में व्यंजन जुड़ा है क्योंकि मात्रा लगा है। तो जिन वर्णों का उच्चारण जो होता है स्वरों की सहायता से किया जाता है, वे क्या कहलाते हैं मेरे दोस्त, व्यंजन कहलाते हैं। और वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है ये याद रखेगा, 33, 11 स्वर और 33 व्यंजन, इसको तो भूलना ही नहीं है जिंदगी में, 11 स्वर और 33 व्यंजन। बोलिए यहां तक का किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं। अब बात करते हैं व्यंजन वर्ण के भेद। आपने स्वर के भेद देखा है ना, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर। अब व्यंजन वर्ण के भेद आ जाते हैं, तो स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है और उष्म व्यंजन है, ठीक है। अब यहाँ पर से बहुत सारे जो एग्जाम्पल मिलेंगे दोस्त, वो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में बार 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 पूछे जाते हैं दोस्त, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ व्यंजन, व्यंजन जो वर्ण के भेद हैं, तो स्पर्श व्यंजन आपने पढ़ा, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। तो व्यंजन वर्ण के बीच कितने भेद यहाँ पर आपने पढ़ लिया, 3 भेद, याद रखेगा मेरे दोस्त, 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और उष्म व्यंजन। तो एक एक करके इसके डिटेल के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो स्पर्श व्यंजन, देखिए स्पर्श मतलब आप समझ रहे, छूना, स्पर्श यानी क्या होता है, छूना। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से है ना, फेफड़ों से निकलने वाली वायु जो होती, फेफड़ों से कुछ भी बोलते हैं तो अपन सांस छोड़ते हैं ना भाई, है ना, तो फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होंठों को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक 25 स्पर्श व्यंजन, याद रखेगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है मेरे दोस्त, ये याद रखना है। स्पर्श जो व्यंजन है उसकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। यहाँ पर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती। तो क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, ङ है ना, ये सब ये याद रखेगा, है ना, क वर्ग के अंतर्गत क्या बोला गया, क, ख, ग, ङ। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, झ, झ, ञ बोलते हैं, है ना, ये कहाँ यूज होता है, एक दो शॉर्ट्स में मैंने देखा आज तक ञ का यहाँ पर, तो ये एक दो शॉर्ट्स ऐसे बने हैं जो बड़ा ही वायरल हुआ था, ठीक है, ये ञ का यूज कहाँ पर होता है, ठीक है, तो आज तक मैंने भी यूज नहीं किया, तो बस आप भी पढ़ लिए रहो मेरे भाई। अब ट वर्ग में आते हैं, तो ट, ठ, ड, ढक्कन, कढ़ा, बानकण, है ना, ट वर्ग के अंतर्गत याद रखिएगा, त, थ, द,
ध और न, और प वर्ग के अंतर्गत प फ ब भ और म। तो ये इस जो अलग अलग डिवाइड किया गया है ना, यहाँ पर क वर्ग के अंतर्गत है ना, क वर्ग के अंतर्गत टोटल देखिए पांच है, पची च वर्ग के अंतर्गत पांच है, ट वर्ग के अंतर्गत पांच है, त वर्ग के अंतर्गत पांच और प वर्ग के अंतर्गत। तो टोटल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्त मेरे भाई, 25, याद रखेगा है ना। यहाँ पर क वर्ग में पांच, च वर्ग में पांच, ट वर्ग में पांच, त वर्ग में पांच और प वर्ग में पांच। तो ये आपको याद रखना है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्त, 25 होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो इसमें है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंत यानी मध्य है ना, अंत यानी मध्य या बीच, और स्थ मतलब स्थित, स्थित से लिया गया, स्थित होता है। अंतस्थ जो होता है, अंतस्थ व्यंजन स्वर और व्यंजन के बीच उच्चारित किए जाते हैं। अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं स्वर और व्यंजन के बीच उच्चारित किए जाते हैं, याद रखिएगा दोस्त। उच्चारण के समय जीवा है ना, जीभ जो होती है, जीवा मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करता, ये चार है, या जैसे कि या ऐसा बोले तो या है ना, तो वो आपके अंदर से नहीं कर रही या ऐसा, ठीक है। या के बाद रा है ना, रा हो गया, या ला या वा है ना, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, उच्चारण के समय जीवा जो होती है मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करे, पूरी तरह से स्पर्श नहीं करे, या ऐसा बोल के देखेंगे तो है ना, तो आपको समझ में आएगा, खुद बोल के देखिएगा, या है या रा या ला या वा, एकदम उच्चारण या रा ला वा ऐसा नहीं बोलना है, या ऐसा फिर रा या फिर ला ऐसा बोल के देखिएगा, तो आपको खुद समझ में आएगा कि यहाँ पर स्वर और व्यंजन के बीच उच्चारित किए जाते हैं, लेकिन उच्चारण के समय जीवा जो होती है मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, ये क्या कहलाता है, अंतस्थ व्यंजन। बोले यहां तक क्लियर है, किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं दोस्त। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अपन आ जाते हैं उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन के अंतर्गत हम बात करेंगे क्या चीज होता है उष्म व्यंजन। तो उष्म मतलब आप उष्मा, उष्मा है ना गर्म। तो इन व्यंजनों की, इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु जो होती है मुख से रगड़ खाकर उष्मा पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है, ये चार होते हैं। तो शक्कर का सा स ऐसा है ना, स, फिर षटकोण का सा, सरोते का सा या हलवाई का हा, तो ये उष्म व्यंजन ऐसा, ये सबसे ज्यादा याद रखिएगा, उष्म व्यंजन होते हैं ना ये चार होते हैं। ये आपको ऐसा ऑब्जेक्टिव एकदम इजी पूछा जाता है हिंदी से ना, ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पर उष्म व्यंजन, तो कितने होते हैं उष्म व्यंजन, तो ये याद रखिएगा चार होते हैं। तो ये ऐसा वर्ड भी दे देगा उष्म व्यंजन के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता, तो याद रखिएगा शक्कर का सा बोला मैंने, षटकोण का सा, सरोता का सा और हलवाई कहा, ये किसके अंतर्गत रखा गया, उष्म व्यंजन। इसमें क्या होती है वायु जो मुख से रगड़ खाकर उष्मा पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय क्या बोला जा रहा है, मुख से गर्म हवा निकलती, याद कर लीजिएगा भाई है ना, मुख से क्या होती है गर्म हवा निकलती, इस कारण से उष्म व्यंजन कहा जाता है। बोले क्लियर हो गया यहाँ तक का। चलिए इनको भी थोड़ा सा एनपीए भी शो हो रहा है, इनको थोड़ा साइड कर लेते हैं। हाँ चलिए उष्म व्यंजन तक का क्लियर था। नेक्स्ट अब यहाँ पर बात करते हैं श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के भेद, ठीक है। तो श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के जो भेद है मेरे दोस्त, इसमें सबसे पहला क्या लिया गया है, अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण। अब अल्प प्राण की संख्या सबसे पहले तो इसको याद कर लो, अल्प प्राण की संख्या ना 20 होती है। अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है मेरे दोस्त, 20 होती है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब अल्प प्राण क्या होते हैं, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब इनकी संख्या 20 होती है, आपको याद रखें, क्या बोला गया, ध्यान सुने, जिनको बोलने में क्या हो रहा है कम समय लगता है, जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, इस कारण से क्या कहा जाता है, अल्प प्राण कहा जाता है। और अल्प प्राण की संख्या याद रख लीजिएगा 20 होती है। कितनी होती है मेरा दोस्त, 20 होती है, यहां तक किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं। अब इसमें क वर्ग याद रखेगा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का पहला तीसरा, ठीक है, अभी जैसे कि वहां पर पढ़ा क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, तो पहला तीसरा पांचवा अक्षर, ठीक है, पहला तीसरा और पांचवा अक्षर आता है, याद रखिएगा, पहला तीसरा और पांचवा, ये याद रख लीजिएगा। क वहां पर आपने देखा है ना, क
वर्ग के अंतर्गत ट वर्ग प वर्ग च वर्ग, तो उसका पहला तीसरा और पांचवा विषम संख्या ये याद रख लीजिए। चारों अंतस्थ व्यंजन य र ल व ये याद रखिएगा, है ना। याद रखने का इसका जो आसान तरीका है, वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा अक्षर, अंतस्थ पहला तीसरा और पांचवा अक्षर आता है। अब ये कहां पर से आ रहे हैं ये कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, तो इसको आपको मैं फिर से दिखा देता हूं ये जो चीजें कहां से आई। देखिए अल्पप्राण के अंतर्गत इसमें क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अक्षर, तो फिर से अपन ले लेते हैं। देखिए पहला तीसरा और पांचवा अक्षर आता है, यही है क वर्ग च वर्ग का फिर से पहला तीसरा और पांचवा अक्षर, इसी को बताया जा रहा है उसमें। बोलिए यहां तक क्लियर है, यहां पर कोई डाउट नहीं। इसे क वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा अक्षर, ठीक है। तो इनकी संख्या अल्पप्राण की संख्या टोटल 20 याद रख लीजिएगा, है ना। चारों अंतस्थ व्यंजन य र ल व याद रखिएगा, अंतस्थ जो व्यंजन है य र ल व याद रखने के लिए जो तरीका है वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा अक्षर। चलिए अब महाप्राण के बारे में बात करते हैं। अल्पप्राण के बाद जो है महाप्राण, तो महाप्राण भी आपको यहां पर से क्या पूछा जा सकता है, इनकी संख्या 15 याद रखिएगा, ठीक है। अल्पप्राण आपने देखा, ठीक है, अल्पप्राण के बाद महाप्राण की संख्या कितनी मेरे दोस्त, 15 है, ये याद रखिएगा। अब ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना हो पड़ता है ना, जिनको बोलने पर महाप्राण मतलब प्राण निकल गई है मान लो, है ना, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने पर अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय क्या बोला जा रहा है, मुख से अधिक वायु निकलती, उन्हें क्या कहा जाता है, महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितने होती है मेरे दोस्त, 15 होती है ना। इसमें क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग का दूसरा चौथा अक्षर, पहला क्या बोला मैंने प वर्ग तक का दूसरा चौथा, चारों उष्म व्यंजन स यहां पर शक्कर का सा षटकोण का सा सरोतक सा और हलवाई कहा ये आते हैं, तो उसमें पहला तीसरा और पांचवा, इसमें दूसरा और चौथा किसके अंतर्गत आ रहा है मेरे दोस्त, महाप्राण के अंतर्गत आ रहा है। तो याद करने का आसान तरीका एकदम समझ में आएगा, वर्ग का दूसरा चौथा अक्षर, ठीक है, अर्थात उष्म व्यंजन, ठीक है, ध्वनि घर्षण के आधार पर व्यंजन के भेद, इसके बाद पढ़ेंगे ध्वनि घर्षण के आधार पर व्यंजन के। तो उसमें याद रखिएगा अल्पप्राण में 1, 3, 5, ठीक है, और महाप्राण में 2 और 4, इसमें सम संख्या उसमें विषम संख्या ये याद रख लो, है ना, ऐसा भी याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे, अब यहां पर व्यंजन वर्णों को ध्वनि घर्षण के आधार पर दो भेदों में विभाजित किया गया है। व्यंजन जो वर्ण है ध्वनि घर्षण के आधार पर दो भागों में घोष है और अघोष है, ये कोई भूत भूत के नाम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो व्यंजन वर्णों के ध्वनि घर्षण के आधार पर दो भेदों में विभाजित किया गया है, घोष और अघोष, ठीक है। तो याद रखिएगा व्यंजन वर्णों की ध्वनि घर्षण के आधार पर दो भागों में, ठीक है, घोष और अघोष, इसको याद रखिएगा, दो भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं घोष के बारे में, ठीक है, तो घोष क्या होती है और अघोष क्या होती है, एक एक करके देखते हैं। तो घोष की याद रखिएगा, बहुत सारी चीजें याद करने वाली, घोष की संख्या जो होती है देखिए यहाँ पर 31 होती है, है ना। तो घोष क्या होते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास जो होती है वायु, श्वास वायु स्वर तंत्रियों में कंपन करती है ना, श्वास वायु जो होती है स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न करती है, इन्हें घोष कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है मेरे दोस्त, 31 होती है। इसमें सभी स्वर अ से लेके अ तक, है ना, अ से लेके अ तक प्रत्येक वर्ग के अंतिम तीन व्यंजन यानी ग घ अंग ज झ या ट डमरू का ड ढक्कन का ड बान का ढ, ये सब याद करना भाई, है ना, द धनुष का ध नल का ना ब भ म और अंतस्थ व्यंजन य र ल व तथा उष्म व्यंजन का ह आते हैं, ठीक है। इतने चीजों को आपको याद रखने, आप देखिए याद तो करना ही पड़ेगा दोस्त, है ना, क्या क्या आते हैं इसमें, सभी स्वर अ से लेके अ तक और प्रत्येक वर्ग के अंतिम तीन व्यंजन यानी ग घ, ये सब याद रखने मेरे दोस्त, ठीक है। इसके ना आप अगर नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, आप नोट्स बनाए रहेंगे ना चीजें बहुत समय तक याद रहती है। और आपके लिए जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है, लगभग अब 4 महीने का समय है, है ना, 4 महीने तक तो अभी लगभग कोई एग्जाम पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है लोकसभा चुनाव है ना, तो ये अब कोई एग्जाम आएंगे नहीं, वो सब चुनाव के बाद लगभग ये मान के चलिए जुलाई है ना, जुलाई से स्टार्ट होगा, तो बहुत समय है आपके पास चीजों को नोट्स बना बना के आपको पढ़ने हैं मेरे दोस्त। चलिए घोष के बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं,
अघोष, ठीक है। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में क्या बोला जा रहा है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास जो होती वायु स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं करती उन्हें अघोष वर्ण कहते, उसमें कंपन उत्पन्न करती इसमें नहीं करती, इनकी संख्या 13 होती, याद रखेगा अघोष की संख्या 13 होती है, ठीक है। इसमें प्रत्येक वर्ग के प्रथम दो व्यंजन यानी क ख च छ ट ठ त थ प फ और उसमें व्यंजन के शक्कर कसा षटकोण कसा सरोता कसा ये आते हैं, है ना। ये चीजों को बहुत सारे ऐसे रहते हैं याद करना पड़ता है, और जब नोट्स बनाए रहेंगे ना आप खुद बोल के देखिएगा कि यहाँ पर जो स्वर तंत्रियां कंपन उत्पन्न कर रही है कि नहीं, है ना, वहां पर कंपन उत्पन्न करके आप खुद बोलेंगे ना तो चीजें आपको समझ आएगी, हाँ नहीं उत्पन्न कर रहा है या उत्पन्न हाँ नहीं कर रहा है, आप खुद में सेटिस्फाई होंगे बोल के देखेंगे, और बोल के कब देखेंगे जब नोट्स बनाए हुए रहेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहां तक आपको चीजें क्लियर होगी अघोष तक का। नेक्स्ट मैं बात करता हूं अन्य जो वर्ण होते हैं, जैसे कि आप विसर्ग लगाते हैं आपको पता होगा, जैसे कि विसर्ग ये अतः प्रातः अंततः है ना, ये विसर्ग कहलाती है, जो डॉट लगाते हैं ये क्या है विसर्ग है। तो विसर्ग में अपन बात करते हैं इस ध्वनि को चिन्ह, ये देखिए ये चिन्ह जो दो डॉट है इसका उच्चारण ह की भांति प्रातः ऐसा प्रातः आता है आ हा बोल रहे हा हा आ रहे नहीं, इसका जो उच्चारण है हा की भांति किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों है ना, मतलब तत्सम शब्द मतलब संस्कृत से आए, संस्कृत से नमः है ना, जैसे नमः ऐसा बोलते हैं, नमः ओम नमः शिवाय ऐसा बोलते हैं ना, तो अतः प्रातः अंततः संस्कृत से आए जो शब्द है उसी में किया जाता है। तो यहां तक आपको क्लियर होगा विसर्ग प्रयोग है ना, आता है प्रातः है अंततः है और नमः ओम नमः बोलते हैं ना, ओम नमः शिवाय क्लियर होगा। तो ये क्या कहलाते हैं अन्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं विसर्ग, और इनका प्रयोग क्या कब करते हैं संस्कृत से आए जो शब्द है उसमें किया जाता है। बोलिए कोई डाउट यहां तक का नहीं होगा मेरे दोस्त। आगत ध्वनि के बारे में बात करते हैं, आगत आगत ध्वनि आम यानी आप समझ रहे अर्धचंद्र, इसको क्या बोला जाता है अर्धचंद्र, अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर डॉक्टर ऐसा बोलते हैं डॉक्टर, मतलब बोलने में समय भी आपको समझ में डॉक्टर मस्त लगता है, लेकिन इसको अर्धचंद्र को ना लगाया जाए डॉक्टर ऐसा डॉक्टर मजा आ रही है बोलने में नहीं, तो जो अर्धचंद्र लगता है डॉक्टर, देखिए कॉफी लिखे कॉफी और कहीं ये अर्धचंद्र न लगो तो काफी मजा आ रही है काफी वो काफी ज्यादा वाला हो जाएगा, लेकिन यहाँ अर्धचंद्र लगा कॉफी या टॉफी बोलू, देखिए टॉफी अर्धचंद्र लगाकर मैं उच्चारण कर रहा हूँ टॉफी तो अच्छा लगे, लेकिन अर्धचंद्र न लगाए टॉफी मजा आ रही है नहीं, तो यही होता है। जैसे बॉल है बॉल, आपने बॉल बोला तो एकदम सुंदर सा लगा वर्ड, लेकिन बाल ऐसा बोले तो मजा नहीं आता, बाल ये वाला बाल हो जाएगा है ना, ठीक है जो हेयर होता है वो वाला। तो आगत ध्वनि में क्या होता है अर्धचंद्र लगा होता है, और अर्धचंद्र में याद रखिएगा अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय प्रयोग किया जाता है, तो डॉक्टर है कॉफी है टॉफी है या बॉल है ये सब इसके अंतर्गत आते हैं आगत ध्वनि। कोई डाउट यहां तक मेरे बच्चे नहीं, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त वर्ण के बारे में। तो संयुक्त वर्ण वर्णों का मेल, वर्णों का मेल वर्ण संयोग कहलाता है। इन वर्णों के अलावा हिंदी भाषा में कुछ संयुक्त वर्णों का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये दिख रहा होगा क्षत्रिय, ऐसा लिखते क्षत्रिय, त्रिशूल का त, ज्ञानी का ग, श्रीमान जी वाला है ना त्र, ठीक है। तो ये क्या है पूरे एक प्रकार से एक संयोग वर्णों के मेल, वर्णों के संयोग कहलाता है, वर्णों का जो मेल होता है वर्ण संयोग कहलाता है। इन वर्णों के अलावा हिंदी भाषा में कुछ संयुक्त वर्णों का भी प्रयोग किया जाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा क्षत्रिय है ना अपने आप में पूर्ण है, त्रिशूल त्रिशूल लिखते हैं ना त्र, ज्ञानी का ज्ञा है ना ज्ञान, और ये श्रीमान जी वाला स्त्र, ठीक है। तो यहाँ पर ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जैसे कि अभी उदाहरण इसके देखते हैं, जैसे कि भिक्षा भिक का आता है और षटकोण का भिक्षा है ना, उसके बीच जो वर्ण है, या क्षमा है ना क्षमा में भी का आता है, इसलिए देखिए क्षमा किसी का नाम है तो वो ऐसा उसका स्पेलिंग ऐसा कुछ आता है ना, तो याद रखिएगा यहाँ पर के मतलब कार है, क्षमा भी लिख रहे हैं तो क्या आ जा रहा है मेरे दोस्त क्या आ जा रहा है, या त्रिशूल त और र, त्रिशूल त और र दोनों आते हैं, या त्रिभुज
ता और र दोनों आ रही है इसमें भी। आप खुद ये एग्जांपल को लिखेंगे और बोल के देखेंगे ना तो चीजें और क्लियर होगी दोस्त, है ना। वैसी श्रमिक स और र, श्रमिक या विश्राम, र स और र विश्राम में दोनों आ रहे हैं कि नहीं बोलिए। नेक्स्ट ज और अ, तो संज्ञा, संज्ञा तो ज और अ दोनों आते हैं। जब विज्ञान बोलते हैं तो ज और अ दोनों इस तरीके का आते हैं। यहां तक का कोई डाउट नहीं मेरे दोस्त, बताएंगे क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे, नेक्स्ट लेते हैं दोस्त अनुस्वार, ठीक है। अनुस्वार में अपन बात करते हैं जैसे कि अम, अम जो होता है यहां पर ऊपर में मात्रा लगाते हैं अंत हो गया, इसका अंत हो गया ऐसा वाला अंत, तो यहां पर वर्ण भी स्वरों के बाद ही आता है। इसका उच्चारण नाक से अम ऐसा बोलते हैं अंत, तो इसका उच्चारण कहां से हो रहा है मेरे दोस्त, नाक से किया जाता है ना। इसका उच्चारण जिस वर्ण के बाद होता है उसी वर्ण के सिर पर क्या लगा दिया जाता है, अम, जैसे कि अंत ऐसे लिखते हैं ना अंत, है ना, ये अंत लिखे बिंदी के रूप में इसे लगाया जाता है। जैसे रंग, देखिए रंग हो गया है ना, रग ऐसे ये रग लिखा गया, लेकिन रंग हुआ ध्वनि का जो उच्चारण है कुछ डिफरेंट लगा। वैसी जंगल, अगर आम की मात्रा न लगाया जाए तो जगल हो जाएगा, है ना, तो जंगल लिखते हैं। यहाँ पर संघ लिखा है, संघ में यहाँ पर जो सरोतक मा है उस सरोतक का सा है उसमें आम की मात्रा, तो संघ लिखा है। वैसी तिरंगा, यहाँ पर अगर आम की मात्रा न लगाया जाए तो तिरगा हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखा जाता है, तिरंगा, है ना। तो ये है आपका अनुस्वार, यहां तक क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अनुनासिक, अनुनासिक तो यहां पर इसका उच्चारण जो होता है इसका उच्चारण आप करेंगे नाक और गले दोनों से होता है, तो चांद है ना या आंगन, ठीक है। तो यहां पर आप खुद बोल के देखिएगा, मैं बोल रहा हूं अलग हो रहा है, आप चीजों को नोट से बनाइए, चांद आंगन आदि इसका चिन्ह होते हैं, है ना। यहाँ पर याद रखिएगा अर्धचंद्र और पूर्ण चंद्र ये अनुनासिक होते हैं, ये पूर्ण चंद्र है, चंद्र लगा के डॉट लगा है उसमें, अर्धचंद्र में ऐसे ऊपर में बस लगाते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये किसके अंतर्गत आता है, अनुनासिक के। अब आयोग वाह के बारे में बात करते हैं, तो आयोग वाह में ध्यान दीजिएगा हिंदी व्याकरण में अनुस्वार अम एवं विसर्ग अह को आयोग वाह के रूप में जाना जाता है, अम और अह को आयोग वाह के रूप में जाना जाता है। आयोग वाह ना तो पूर्ण रूप से स्वर होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन होते हैं, ये चीजों को आपको याद रखना है। आयोग वाह पूर्ण रूप से स्वर भी नहीं है और ना ही व्यंजन है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए आयोग वाह के बाद अपन बात करते हैं वर्ण विचार पर आधारित जो प्रश्न उत्तर है, ठीक है। तो प्रश्न उत्तर ऐसे जनरली आपको कहीं किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम के अलावा और कुछ चीजों के उपयोग करना, जैसे कि मेन्स के एग्जाम होते हैं, पीएससी वीएससी के मेंस के एग्जाम होते हैं, तो उसमें आपको ये जरूरत पड़ सकते हैं। तो एकदम सिंपल सा मैं बहुत ही जल्द से इसको कंप्लीट करा देता हूं मेरे दोस्त, है ना। प्रश्न संख्या एक देखिए, वर्ण किसे कहते हैं, एकदम सिंपल सा वर्ण किसे कहते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन आपको मेंस में पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, मेंस में ये आपको पूछे जा सकते हैं। तो बोलते समय क्या बोला जा रहा है, वर्ण किसे कहते हैं, बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वही ध्वनियां वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण की वर्ण जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सब साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे राम, राम वाला याद आ रहा होगा एग्जांपल, उदाहरण उसी छाप देना, है ना, राम, है ना, राम पत्र लिखता है, तो ये वाला वर्ण में इसको उदाहरण को छाप देना, तोड़ देना, है ना, शब्दों को आप तोड़ दिए रा अ म अ, तो ये क्या हो जाएगा, वो वर्ण कहलाता है ना। तो उसके टुकड़े और नहीं किए जा सकते, कोई शब्द है उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। कोई डाउट मेरे दोस्त यहां तक का नहीं होगा, ठीक है। वर्ण स्क्रीनशॉट ले लो मेरे दोस्त और नोट्स बना के रखेंगे तो ये मेंस वगैरह के एग्जाम में बहुत ही काम आने वाले हैं दोस्त, ठीक है, ये मेरा दावा है। नेक्स्ट वर्ण के कितने भेद होते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। तो यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैंने पूरे चीजों को समझा दिया है। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मेरा बताने का आशय यहाँ पर है, इस कारण से मैंने इसकी स्लाइड बना ली है। तो वर्ण के दो भेद याद रखिएगा, स्वर तथा व्यंजन। तो स्वर वर्ण है, ठीक है, और एक है व्यंजन। तो जिस स्वर जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, अभी तो पढ़ा है ना, उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त, स्वर वर्ण। और स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, और व्यंजन वर्ण कितने होते हैं ये याद रखिएगा, 33।
तो ये एक सब चीज आपको याद इसमें रखना है, व्यंजन वर्ण, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं उच्चारण की दृष्टि से स्वर के कितने भेद होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वर के कितने भेद, तो आपको याद होगा स्वर वर्ण कम समय, दीर्घ स्वर दुगुना समय, और प्लस स्वर त्रिगुना समय, क्योंकि ये दोनों से क्या होते हैं और जुड़ जाते हैं, तो तिगुना समय लगता है। तो ये याद रखिएगा उच्चारण की दृष्टि से स्वर के कितने भेद, तो तीन भेद, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। क्लियर हो गया यहां तक का, पूरी चीजों को अपन पढ़े हैं। व्यंजन वर्णों के कितने भेद, तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। तो यहाँ पर ये पूरे आंसर, पूरी चीजों को मैंने बता दिया, क्वेश्चन बस राइटर आपको मेंस के लिए मैं बताना चाहता था, ठीक है, कि किस तरीके का आपको पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 5, अल्प प्राण और महाप्राण को परिभाषित कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है, बोलने में कम समय लगता है और बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, महाप्राण पूरा प्राण निकल जाता है, सर टेक का मैंने एग्जांपल दिया, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वर्ण विचार पर आधारित बहुविकल्पी जो प्रश्न है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला है देखिए वर्ण किसे कहते हैं, क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है वर्ण किसे कहते हैं। तो पहला है भाषा एवं उसके रूपों को कहा जाता है, या दूसरा है भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को, या रंग को, या शब्द को। तो आपको समझ में आ रहा होगा वर्ण होता है भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि, राम वो शब्द था, उसको टुकड़े में विभाजित किया रा अ म अ, है ना, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी ध्वनि को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, वर्ण कहा जाता है। क्लियर होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं खाली स्थान स्वर कहे जाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन जो लिखकर आए हैं खाली स्थान स्वर कहे जाते हैं, तो स्वर किसे बोलेंगे, स्वतंत्र रूप से, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्त, स्वर कहलाते हैं, एकदम सिंपल सा है, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट व्यंजन किसे कहते हैं, तो व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, एकदम डायरेक्ट यहीं पर आपको दिमाग आ जाना चाहिए, स्वरों की सहायता से जो बोले जाने वाला वर्ड है वो क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है मेरे दोस्त। नेक्स्ट संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन में याद रखिएगा संयुक्त व्यंजन जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं, संयुक्त व्यंजन में याद रखिएगा दोस्त कितने प्रकार के, चार प्रकार के, कोई डाउट नहीं यहाँ तक का। नेक्स्ट 10-12 क्वेश्चन करेंगे इसमें, है ना, फिर आज का क्लास यहाँ एंड कर देंगे। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन है, तो बताइए भाई हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन, तो आपको पता होना चाहिए 33, 11 स्वर और 33 व्यंजन। चलिए नेक्स्ट हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, तो कौन सा आएगा, ग आएगा, 11 होते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट अंतस्थ व्यंजन है कौन से, इसमें अंतस्थ व्यंजन, तो अभी थोड़ी देर पहले ही अपन डिस्कस किए अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, य र ल और व, ये क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इनमें से कौन सा आयोगवाह है, आयोगवाह में अभी देखा मैंने अम और अह वाला बताया, तो आयोगवाह कौन सा होगा मेरे दोस्त, अम, अम, अम और अह के बीच का बोला, तो इसमें कौन सा होगा, ये सब नहीं आएगा इसमें क्योंकि बिंदु पर में नहीं लगा है ना, तो आयोगवाह कौन सा मेरे दोस्त, अम, कोई डाउट यहां तक का। प्रश्न संख्या 9, इनमें से कौन सा उष्म व्यंजन नहीं है, उष्म व्यंजन, तो उष्म व्यंजन मैंने क्या बोला, उष्मा निकलती है, उष्मा है ना, स सरोतक स ह ऐसा है ना, ह ऐसा, तो या एकदम सिंपल, तो ये इसमें का फर्स्ट का आंसर राइट होगा, 9 का इनमें कौन सा उष्म व्यंजन नहीं है, या बोल के देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विसर्ग का उच्चारण किस प्रकार होता है, तो विसर्ग का उच्चारण, विसर्ग ओम ओम है ना, जैसे कि अपन विसर्ग अतः अतः बोले ह, तो इसमें क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, ह की भांति होता है, विसर्ग का उच्चारण जो होता है ह की भांति होता है, तो यहां से पूरा ये चीजें कंप्लीट हो गई मेरे दोस्त, है विसर्ग का उच्चारण यहां तक का पूरा मैंने कंप्लीट कराया। अब अपन आ जाते हैं फिर से, ये स्लाइड कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और यहाँ का आज का क्लास भी हो चुका है कंप्लीट मेरे दोस्त, एक क्लास अपना हो चुका है कंप्लीट मेरे दोस्त, ये भी अपने से ही बंद हो रहा है, ठीक है, क्लास कंप्लीट हो चुका है, निकलो बोल रहा है हमें, ठीक है दोस्त। तो आज का ये क्लास था, बहुत ही शानदार लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट कल के टॉपिक में हम लेकर आएंगे जो वर्ण विचार के बाद जो टॉपिक है हिंदी
कंपटीशन एग्जाम में जो भी हिंदी के टॉपिक पूछे जाते हैं वो अपन लेकर आएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।